belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बीच इस देश का जन मन कितना निराशा की बुरी अवस्था में डूबा हुआ होगा, दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। ऐसे समय बंगाल की धरती पर एक नरेंद्र का जन्म होता है। विवेकानंद यह न किसी व्यक्ति का नाम है, विवेकानंद न किसी व्यवस्था की पहचान है, एक प्रकार से विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान है। विवेकानंद जी डंके की चोट पर कहते थे कि जनसेवा ये प्रभु सेवा। सामान्य मानवी जो आपके सामने जिंदा है, जो दुख और दर्द से पीड़ित है, उसकी सेवा करो, ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत कभी आजाद हो सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एक दीर्घ दृष्टा थे और वो कहते थे, अपने जीवन के काल में कहा था कि मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत मां उठ खड़ी हुई है, वो जगत गुरु के स्थान पर विराजमान मैं देख रहा हूं, दैदित्य मान भारत माता मैं देख रहा हूं, और वो दिन बहुत निकट होगा। ये भाव जगत स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में अपनी आंखों से देखा था और वो हिन्दुस्तान को प्रेरित करने का प्रयास करते थे। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता का मंत्र देते हुए नौजवानों को कहते थे कि तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए सिवाय अपने ध्येय के, तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए, एकमात्र लक्ष्य की ओर अपना समर्पण रहेगा। अगर तुम्हारा फोकस ठीक रहेगा और उसके पीछे जी जान से जुड़ जाओगे, जीवन में तुम भी सफल हो सकते हो, ये विवेकानंद जी कहा करते थे। वो कहते थे मानव जात के कल्याण के लिए नारी शक्ति का जागरण ये प्राथमिक आवश्यकता है। जिस महापुरुष ने एशिया की आध्यात्मिक ताकत को दुनिया को पहचान कराया था और पहली बार विश्व को एशिया की ये धरती की अपनी एक अलग चिंतन धारा है, यहाँ के संस्कार अलग हैं और विश्व को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, ये बात डंके की चोट पर कहने का साहस स्वामी विवेकानंद जी ने किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वन एशिया का कंसेप्ट आध्यात्मिक धरातल पर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया था। वो कहते थे नौजवान मेरे साथ जुड़े, वो नौजवान को जोड़ने की कोशिश करते थे। वो कहते थे मुझे ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी 100 नौजवान दीजिए, मैं दुनिया बदल दूंगा। मित्रों, आज विवेकानंद जी नहीं है इसलिए आज 100 से काम चलने वाला नहीं है, और इसलिए हम करोड़ों नौजवान देशवासी अगर संकल्प करें तो हम स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर सकते हैं। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस।